सत श्री अकाल दोस्तों, सब तो पहला श्री करतारपुर साहब दे लांघे दे द्वारा खुलन दियां तुहानू लख लख मुबारक। भारत सरकार ते पाकिस्तान सरकार ने करोना तो बाद जिहड़ा हैगा हुण करतारपुर साहब का जो लांघा हैगा वह द्वारा खोलिया हैगा और श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव मौके पहला जत्था जिहड़ा हैगा वो श्री करतारपुर साहब जाके आया और मैं भी उस जत्थे का हिस्सा रहा। और इस जत्थे दे जाण तो बाद काफ़ी सिख संगतां दी मेरे कॉल आ रही है, इनक्वायरी हो रही हैगी है कि किस तरह जाया जा सकता है। तो इस वीडियो के राही मैं तुहानूं श्री करतारपुर साहब जाण दा जो सारा प्रोसैस है वह दसन लग्या हैगा। सब तो पहला आपां की करना है कि प्रकाशपुर 550.mha.gov.in इस साइट नू जिहड़ा हैगा गूगल करना हैगा और इहदे विच जिहड़ी साइट खुल जानी हैगी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करन दी। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी सब तो पहला जिहड़ा हैगा साइट खुलदे ही अपलाई हेयर दा ऑप्शन आ जांदा हैगा। उस ऑप्शन दे विच जो तुसीं क्लिक करदे हैगे हो तां अगे किस तरीक नू तुसीं जाणा चाहुंदे हो वो तरीक खुल जाती है और वह तरीक तुसीं सिलेक्ट करनी हैगी है। उस तो अगे जिहड़े हैगे ने चार ऑप्शन आउंदियां हैगियां ने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी और पार्ट डी। इहदे विच पासपोर्ट की जानकारी तुसीं कित्थे रहिंदे हो इहदी जानकारी तुहाडे नेड़ला पुलिस स्टेशन किहड़ा हैगा इहदी जानकारी क्योंकि तुहाडी पुलिस वेरीफिकेशन होनी हुंदी हैगी है। इस तो बाद जिहड़ा हैगा जदों अपलाई हो जाता है तां उस तो बाद तुहानूं SMS दे जरिए इनफॉर्म किया जाता है कि तुहाडा जे इह प्रोसैस इह कित्थे हैगा। इहदे प्रोसैस दे विच तुहानूं 2-3 दिन भी लग सकते हैं, 5-7 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि स्लॉट जिहड़ा हैगा उह फ्री होण ते डिपेंड करदा हैगा कि किहड़ा स्लॉट तुहानूं मिलदा हैगा तां उहदे अकॉर्डिंग इह प्रोसैस हुंदा है। तां तुहानूं जिहड़ा हैगा SMS दे जरिए जानकारी मिलेगी, तुसीं SMS चैक करते रहना है। पर कई बार इह वी हुंदा है कि तुहानूं जिहड़ा हैगा मैसेज नहीं आउंदा, फिर तुसीं जिहड़ा हैगा साइट दे उत्ते दुबारे जाके अपना स्टेटस चैक कर सकते हो। कई बार इस तरह हुंदा कि आपां कुछ ट्रांजैक्शन बैंक दे विच हुंदी है और आपां नूं मैसेज उहदा नहीं आउंदा, पर वो ट्रांजैक्शन जदों आपां स्टेटमेंट कढाउंदे उहदे विच शो हुंदी है। उसे तरह ही इहदे विच भी कई बार सानूं जिहड़ा हैगा मैसेज नहीं आउंदा, पर जदों साइट नूं जाके चैक करदे हैगे आ तां उहदे विच सानूं उहदी जानकारी मिल जाती है कि इह स्टेटस है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ETA जनरेट होंदा है, उहदा एक नंबर होंदा है। ETA मतलब इलैक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, इहदा होना बहुत जरूरी हैगा। अगर तुहाडे कोल ETA हैगा फिर ही तुसीं जिहड़ा हैगा बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। हुण जिहड़ा हैगा इह कई वारी लेट भी हो जांदा है, कई वारी जदों तुहाडे कोल मैसेज आउंदा हैगा कि तुसीं तुहाडी जिहड़ी हैगी है सुबह तुसीं जाणा हैगा उत्थे रिपोर्ट करना हैगा 8 बजे कोरीडोर दे उत्ते, पर तुहाडे कोल जिहड़ा ETA जनरेट नहीं होया हुंदा तां उह वी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं। रात तक भी तुहाडे कोल 11-12 बजे तक भी वो मैसेज आ जाता है, जनरेट हो जाता है, नहीं पर तुहानूं उत्थे मौके दे उत्ते भी ETA फार्म मिल जाता है। हुण अगे आपां गल करदे हां कि की रिक्वायरमेंट है। इहदे यात्रा नूं लैके काफ़ी भरम भुलेखे हैगे ने कि सानूं उत्थे जाण लई पासपोर्ट की लोड़ पैंदी है जां नहीं पैंदी, वीज़ा की लोड़ पैंदी है जां नहीं पैंदी। तां उह मैं तुहानूं दस्सण लग्गिया कि उत्थे जाण दे लई श्री करतारपुर साहब के दर्शन दे लई जाण दे लई पासपोर्ट की लोड़ पैंदी है पर वीज़े की लोड़ नहीं हैगी। और दूजा जिहड़ा भुलेखा हैगा कि इहदे ते स्टैंप लगदी है, बाद दे विच दूसरे देशों के वीज़ा च दिक्कत आउंदी है, तां उह इह हैगा कि इहदे उत्ते पासपोर्ट दे उत्ते कोई स्टैंप नहीं लगदी, हालांकि सानूं इमीग्रेशन प्रक्रिया दे विचों दी लंघना पैंदा हैगा पर स्टैंप कोई नहीं लगदी, ना ही इहदा कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़दा हैगा कि तुहानूं कोई फ्यूचर दे विच दिक्कत आवे। और इहदे नाल ही RT-PCR दी 72 घंटे दी रिपोर्ट इस तों पुरानी ना होवे, उह तुहाडे कोल होणी बहुत जरूरी है। और रैपिड टैसट जिहड़ा हैगा तुसीं करा के भी लिजा सकते जाते हुए और उत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं मौके ते भी करवा सकते हैगे हो, तां इह प्रोसैस हैगा। उस तों बाद जो तुसीं उत्थे पहुँच जाते हो अगर तुहाडे कोल ETA फॉर्म हैगा तां सीधे ही डेरा बाबा नानक दे विच जो अपना इमीग्रेशन ऑफिस बनया होया भारत सरकार वल्लों तां उहदे विच जाके उह फॉर्म दिखा के एंटर कर सकते हो और इमीग्रेशन प्रक्रिया चो लंघ के पाकिस्तान विच एंटर हो सकते हो। और जेकर तुहाडे कोल ETA फॉर्म नहीं हैगा इत्थे तां जदों तुसीं उत्थे पहुँचदे हो इमीग्रेशन सेंटर दे विच तां उत्थे जाके
ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਈ ਟੀ ਏ ਫੋਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਟੀ ਏ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਔਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫੀਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਟ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰਬ 550.mha.gov.in ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਡਲ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9888648111 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।